मैं हुसैन सुल्तान, रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त आप मौजूद है अमृत नगर गेट के पास पे, जहाँ पे यहाँ दो दिन का यहाँ पे कैंप लगाया गया है। जिस तरीके से मीजल्स, खसरा और जो रोबेला है, जो उसकी बीमारी तेज़ी से फैल रही है आसपास थाने के शहरों में, वहीं पे इसको देखते हुए मुमरा में भी यहाँ पे इस कैंप का यहाँ पे आयोजन किया गया है। और इस कैंप का आयोजन युवा नेत्री मर्जिया शानू पठान की ओर से किया गया है। और इस वक्त तमाम टीएमसी के डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद है। जैसे कि आपको खसरा और रुबेला के बारे में बताया कि ये बीमारी खास करके बच्चों में तेज़ी से फैल रही है। जो छोटे बच्चे हैं, वो छोटे बच्चों से लेकर 15 साल तक के बच्चों को ये बीमारी तेज़ी से फैल रही है। उसके सिम्टम्स कुछ इस तरह है कि हल्का बुखार आता है, खांसी आती है, और उसके अलावा बदन पर जो लाल लाल दाग भी आते हैं, जिसकी वजह से हाल ही में भिवंडी और थाना में कुछ बच्चे इसकी वजह से उनकी मौत भी हो गई है। इसी को देखते हुए महानगर पालिका ने बिल्कुल यहाँ पे अलर्ट जारी किया है, और ख़ास करके टीएमसी के डॉक्टर इसको लेकर काफ़ी चिंतित है। और उसी को देखते हुए यहाँ पे अमृत नगर में मर्जिया शानू पठान की ओर से ये दो दिन का कैंप है। अगर इसकी ज़्यादा ज़रूरत है तो ये कैंप आगे भी चलाया जा सकता है। आप देख सकते मेरे साहब, यहाँ पे लगातार यहाँ पे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ में है, और जिस तरीके से ये बीमारी का खतरा शहर में मंडरा रहा, उसको देखते हुए लोग यहाँ पे बिल्कुल सतर्क नज़र आ रहे हैं। क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर, जो कैंप का आयोजन किया गया उससे उसको लेकर हम जानते हैं मर्जिया पठान से, कि ये कैंप के बारे में उनसे पूछते हैं कि क्या आखिर कारण है इस कैंप को रखने का, और किस तरीके से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे जो दवाइयाँ वगैरह भी जो किस तरीके से दी जा रही है, इसकी पूरी जानकारी हम जानते हैं मर्जिया पठान से। ये हम लोगों ने बच्चों का एक ओवरऑल हेल्थ चेकअप का कैंप रखा है, जिसमें बहुत सारे चीज़ों को डिटेक्ट कर रहे हैं। अगर विटामिन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो वो भी देखी जा रही है। बच्चों का टीकाकरण भी हो रहा है, बच्चे लोगों का जो 10-12 साल के भी, उनका भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अनअवेयर होने के कारण टाइम टू टाइम बच्चों को जो उनके रिक्वायर्ड टीके हैं वो नहीं दे पाते हैं। तो हमने सारे ही टीके रखे हुए हैं कि जिसको जो ज़रूरत है उसको वो लग जाए। जो खसरा का टीका है उसका भी रखा है हमने, वो ज़्यादातर 0 से 5 साल के बच्चों को हो रहा है, तो उसका टीका डॉक्टर अलग से ही रखा है हमने कि उसको भी लगे। और देखिए, शिफा देने वाली तो ज़्यादा अल्लाह की है, पर एहतियाती बरतना हमारा काम है। तो ये सारे अल्लाह की ज़ात पर आप यकीन रखते हुए आप आइए, इस कैंप का लाभ उठाइए। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह आपको इससे जरूर फायदा। कितने दिन अभी तक मैं वही चेक कर रहा, मैंने 200 लोगों को जनरल चेकअप करवा चुके हैं, और कुछ 60-70 लोगों ने टीकाकरण किया हुआ। कितने उम्र में चेकअप हो गया है उनका, मतलब बेसिक जो विटामिन के डोजेस भी दे रहे हैं उनको, विटामिन ए के डोजेस दे रहे हैं, और काफी सारे डोजेस उनको दे रहे हैं, कंटिन्यू मेडिसिन भी दे रही है, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कैंप हमने 2 दिन का रखा था, बट अब हम मीडिया के तालुका से आज ही वीडियो चलेगा, तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें, शेयर करें, आसपास के लोगों को भी इसके बारे में अवेयरनेस हो। और वो और हम बढ़ा रहे हैं कैंप की डेट, सैटरडे संडे भी पॉसिबली हम लोग रखेंगे इंशाल्लाह, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो स्कूल वगैरह जाते हैं सैटरडे संडे को छुट्टी रहेगी। टीएमसी भी यहाँ, टीएमसी उनके साथ ही हमारी मीटिंग हुई, और हमको जब सिनेरियो मुमरा का पता चला कि ऐसे मुमरा में केसेस बढ़ रहे हैं, और मुमरा में बच्चों को वायरसेस टाइप के हो रहे हैं, नॉर्मल सर्दी जुकाम भी बहुत है, तो हमने सोचा कि हम अपने लोगों के लिए एक इंशाल्लाह एक जरिया बन के रखेंगे। तो 0 से 12-13 साल के बच्चे जो है सबको हम लोग, 14-15 साल के बच्चे भी आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो रहा है उनका शायद से 12 साल वाला वैक्सीन टीका मिस है, तो वो भी लगा रहे हैं आगे। खसरा का नहीं है, मतलब हेल्थ चेकअप हो रहा है, हेल्थ चेकअप हो रहा है इन जनरल, पूरा हेल्थ चेकअप, सिर्फ एक ही का नहीं रखा हमने, इन जनरल रखा है। बच्चों को कुछ नहीं है तो अगर आपको विटामिन या कैल्शियम की कमी है तो उसकी भी आप दवा लेंगे।